नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हाई ब्रो स्टार बड़ा बगन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मेरा नाइट ड्यूटी चल रहा है, मैं नाइट ड्यूटी में आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वॉल्वो 460 जो ट्रांसमिशन आई शिफ्ट है, जो उसमें आपको गियर लगाते समय एक्सीलेटर को छोड़ना है कि रेस करके रखना है, कि पकड़ के रखना है, कि मतलब छोड़ देना है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आप पूरा उसका जानकारी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, पहले 440 सब था, उसमें क्लच था, तो उसमें गियर लगाने के लिए हम लोग एक्सीलेटर छोड़ते थे, और 300 में भी वैसे ही था। तो अभी जैसे जैसे निकलता गया, चेंज करते गया, इसीलिए अभी 460 में अभी ऐसा सिस्टम दिया है। और अभी ये जो BS4 है, अभी BS6 आया है जो उसमें और चेंज किया है, तो वाला आ जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना दूंगा पूरा। तो दोस्तों, ये क्या है कि मतलब वॉल्वो 460 जो ट्रांसमिशन वाला है, इसमें आप गियर चेंज करते समय आपको एक्सेलेटर पकड़ के रखिएगा भी, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक गियर चेंज होते समय रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए आप पकड़ के रखिएगा भी तो ठीक है, पकड़ के रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ताकि मतलब गियर चेंज होते ही आपका मौसम पकड़ लेगा। तो इसीलिए आप लोग गियर पकड़ के मतलब गियर सॉरी रेस करके रखिएगा भी तो ठीक है, मतलब एक्सेलेटर पकड़ के रखिएगा भी तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उससे कोई यह नहीं है। आप पकड़ कर रखिएगा अभी तो रेस होते रहेगा, नहीं मतलब वो अपने आप गियर चेंज होते समय अपने आप वो रेस कम हो जाएगा, और गियर चेंज होगा जैसे उससे आपका RPM बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, ये था आपका वॉल्वो 460 का, जो मतलब एक्सेलेटर को पकड़ के रखना है कि छोड़ना है गियर लगाते समय। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी लोडिंग में जाना है मेरे को।